अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टैली में स्टॉक ग्रुप्स क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्यों होती है और उन्हें कैसे बनाते हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने आपको रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना बताया था और उसके बाद हमें आपको परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर के बारे में बताना था, पर इनके बीच में ही हम आपको स्टॉक आइटम्स और उनके ग्रुप्स के बारे में समझा रहे हैं। पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर के पहले स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स की आवश्यकता क्यों होती है। हमने आपको ट्रांजेक्शन पहचानने वाली वीडियो में एक ट्रांजेक्शन बताया था जिसमें 1 अप्रैल को व्यापार के लिए 51,000 का माल नकद खरीदा और जो माल खरीदा था उसे 2 अप्रैल को 75,000 में नकद बेच दिया। ऐसा बोलने में तो ठीक लगता है पर वाकई में ये अस्पष्ट है। इसमें ये नहीं मालूम पड़ता कि क्या माल था, कितना था, उसका रेट क्या था इत्यादि। वास्तव में व्यापार में हम माल खरीदने बेचने का काम करते हैं तो जो भी माल यानी गुड्स खरीदते बेचते हैं उनका भी पूरा रिकॉर्ड रखना होता है, जिससे हमें बहुत ही आसानी से ये पता चल जाता है कि कौन सा माल खरीदा, कितनी क्वांटिटी थी, भाव क्या था, कौन सा माल बेचा, कौन सा माल स्टॉक है इत्यादि। और इन्हीं कारणों से टैली में हमें परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के पहले स्टॉक आइटम्स बनाना होते हैं। तो ये तो आपने जाना कि स्टॉक आइटम्स बनाने की जरूरत क्यों है। आइए अब बताते हैं कि स्टॉक आइटम्स के लिए स्टॉक ग्रुप्स की जरूरत क्यों है। इसे एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा ABC इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का शोरूम है जिसमें हम अलग अलग कंपनीज के अलग अलग साइज कैपेसिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे TV, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स इत्यादि रखते हैं और हमारे पास ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। इसका एक छोटा उदाहरण यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। टैली में इन सभी प्रोडक्ट्स के अलग अलग खाते तो खोल सकते हैं पर यदि हम एक साथ शीघ्रता से ये देखना या जानना चाहते हैं कि हमारे पास कुल कितने टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हैं, या हम ये जानना चाहें कि हमारे पास कौन सी कंपनी के कितने टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स इत्यादि हैं, तो इस तरह की जानकारी के लिए हमें हर आइटम का अलग अलग स्टॉक देखना होगा और उन्हें प्रोडक्ट और ब्रांड के हिसाब से अलग अलग कहीं लिखना होगा और फिर उनका टोटल करना होगा। यानी ये एक लंबा और ज्यादा समय लेने वाला प्रोसीजर होगा और इतना करने के बाद भी इसमें जोड़ बाकी में गलती की संभावना बनी रहेगी। तो फिर इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? इसका हल यही है कि पहले हम स्टॉक ग्रुप्स बना लें और फिर उन ग्रुप्स में स्टॉक आइटम्स के खाते खोल लें। इसे हम एक चार्ट की सहायता से और भी सरल तरीके से समझ लेते हैं। देखिए इस चार्ट में सबसे ऊपर ABC इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है और इस शोरूम में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वे दूसरी लाइन में दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ हम समझाने के लिए इन सभी प्रोडक्ट्स में से सिर्फ टीवी के सब ग्रुप्स बनाकर आपको दिखा रहे हैं। देखिए टीवी में किस किस कंपनी के टीवी हैं वो तीसरी लाइन में दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनमें से किसी एक कंपनी के टीवी पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें कौन कौन सी साइज के टीवी हैं। टैली में यदि हम इस तरह के स्टॉक ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाकर उनके अंदर स्टॉक आइटम्स बना लें तो हमें स्टॉक से संबंधित सभी जानकारी बगैर किसी गलती के आसानी से और जल्दी से मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि जब टैली ने अकाउंट्स यानी लेजर्स के लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाकर दिए हैं तो स्टॉक आइटम्स के लिए कोई ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाकर क्यों नहीं दिया? इसका कारण ये है कि लेजर्स के लिए तो जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाकर दिए गए हैं वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से बने हुए हैं और प्रायः सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं।
जबकि प्रत्येक व्यापार के स्टॉक आइटम्स अलग अलग होते हैं, और जब स्टॉक आइटम्स अलग अलग होते हैं तो स्टॉक ग्रुप्स भी अलग अलग ही होंगे, और यही कारण है कि हमें टैली स्टॉक ग्रुप्स बनाकर नहीं देता है, यह हमें खुद बनाना होते हैं। तो आइए टैली के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि स्टॉक ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। हमने टैली में जो कंपनी बनाई थी वो ओपन कर ली है। इस कंपनी में पहले हम बहुत से लेजर्स बना चुके हैं, और इसी में हमने कुछ वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड किए हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टैली में जैसे ही हम कोई कंपनी ओपन करते हैं तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली की विंडो दिखाई पड़ती है। इसे हम टैली में जाने का मेन गेट यानी मुख्य दरवाजा भी कह सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग हेडिंग्स जैसे मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं। इनके अंतर्गत कुछ ऑप्शंस भी दिखाई पड़ रहे हैं। मास्टर्स हेडिंग के अंतर्गत आप जो पहला ऑप्शन अकाउंट्स इन्फो देख रहे हैं उसमें हम लेजर्स के बारे में सीख चुके हैं। आज हम दूसरे ऑप्शन इन्वेंटरी इन्फो पर काम करने जा रहे हैं। इसमें हमें इन्वेंटरी से संबंधित स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स ऑफ मेजर इत्यादि को बनाने, देखने और उनमें परिवर्तन करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, जिन्हें हम एक एक करके आगे समझेंगे। अभी हमें स्टॉक ग्रुप्स बनाने हैं, उसके लिए इन्वेंटरी इन्फो पर जाना होगा। इन्वेंटरी इन्फो के लिए आई प्रेस करें। ये देखिए इन्वेंटरी इन्फो की विंडो आ गई है। हम स्टॉक ग्रुप्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जी प्रेस करेंगे। ये देखिए स्टॉक ग्रुप्स वाली विंडो आ गई है। यहाँ दो हेडिंग्स दिखाई पड़ रही हैं, सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स। यदि आप एक बार में एक स्टॉक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो सिंगल स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट ऑप्शन का उपयोग करें, उसके लिए सी प्रेस करें। ये देखिए ऐसा करते ही स्टॉक ग्रुप क्रिएशन विंडो आ गई है। यहाँ तक आने के लिए हमने क्या क्या किया ये एक बार आपको शॉर्ट में बता देते हैं। सिंगल स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंटरी इन्फो में जाएं, वहां से स्टॉक ग्रुप्स में जाएं, वहां से सिंगल स्टॉक ग्रुप में क्रिएट पर जाएं। यहां नेम के आगे ग्रुप का नाम टाइप करें। हमने टाइप किया टीवी, एंटर प्रेस करें। अलियास को हम आगे समझेंगे, अभी एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। अंडर में प्राइमरी यानी मुख्य ही रहने देंगे क्योंकि ये हमारा मुख्य ग्रुप ही है। Should quantities of items be added? इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप के अंतर्गत जो भी स्टॉक आइटम्स आप बनाएंगे क्या उन सभी की क्वांटिटी की जोड़ चाहिए? यहाँ हम यस के लिए वाई टाइप करेंगे और फिर इस विंडो को कंट्रोल और ए की से एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमने टीवी का जो मेन ग्रुप बनाया है उसके अंदर एक सब ग्रुप भी बना लेते हैं। स्टॉक ग्रुप क्रिएशन विंडो खुली हुई है। नेम में हम सोनी टीवी टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अंडर में हम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से टीवी चुनेंगे क्योंकि हम जो ग्रुप बना रहे हैं वो टीवी का सब ग्रुप है। देखिए ऐसा करते ही शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड के आगे यस अपने आप आ गया है क्योंकि हमने अंडर में टीवी चुना है, और टीवी का ग्रुप बनाते समय हम इस ऑप्शन को पहले ही यस कर चुके हैं। अब कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्केप की मदद से हम स्टॉक ग्रुप्स वाली विंडो पर आ गए हैं। अब मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स की सहायता से कुछ और ग्रुप्स बनाकर देख लेते हैं। यहाँ क्रिएट के लिए आर की को प्रेस करें। मल्टी स्टॉक ग्रुप क्रिएशन विंडो आ गई है। यहाँ अंडर ग्रुप में आप जिस किसी एक ग्रुप के अंदर और ग्रुप्स बनाना चाहते हैं उसे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सिलेक्ट करें। हम टीवी वाला ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। अब नेम ऑफ स्टॉक ग्रुप में उस ग्रुप का नाम लिखें जो आप बनाना चाहते हैं। हमने टाइप किया LG टीवी। अब एंटर प्रेस करें। देखिए ऐसा करते ही अंडर में उसी ग्रुप का नाम दिखाई पड़ रहा है जिसे हमने ऊपर सिलेक्ट किया था। Should quantities of items be added? इसमें आप यस या नो कर सकते हैं। हम यस ही रहने दे रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। इसी तरह हम जितनी भी कंपनीज के टीवी रखते हैं उन सभी के ग्रुप बना लेंगे। और आखिर में कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम वापस आर प्रेस करके मल्टी स्टॉक ग्रुप क्रिएशन पर चलते हैं।
अब मान लीजिए हम एक ही बार में एक साथ कई प्राइमरी ग्रुप्स या सब ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अंडर ग्रुप में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करें। ऑल आइटम्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एंटर प्रेस करें। अब नेम ऑफ स्टॉक ग्रुप में आप जो भी ग्रुप बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखें, जैसे हमने लिखा कंप्यूटर। एंटर प्रेस करें और अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से वो ग्रुप सिलेक्ट करें जिसके अंतर्गत आप इसे बनाना चाहते हैं। चूंकि ये हमारा मेन ग्रुप है तो हम प्राइमरी सिलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करें। यहाँ हम यस के लिए वाई टाइप कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह हम वॉशिंग मशीन और लैपटॉप के ग्रुप भी बना लेते हैं। अभी हमने जितने भी ग्रुप्स बनाए ये सभी प्राइमरी ग्रुप्स हैं। अब हम टीवी का जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें एक सब ग्रुप भी बनाकर देख लेते हैं। यहाँ हमने टाइप किया ओनिडा टीवी और इसे हम टीवी ग्रुप में लेंगे। इसी तरह हम अपनी जरूरत के अनुसार एक ही बार में कितने भी ग्रुप्स या सब ग्रुप्स बना सकते हैं। अभी हमारी जरूरत के सभी ग्रुप्स बन गए हैं। कंट्रोल और ए कीज प्रेस करके इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टेली पर हैं और हमने जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए हैं उन्हें एक साथ देखने के लिए डी प्रेस करें, फिर एल प्रेस करें और फिर कंट्रोल और आई कीज को प्रेस करें। ये देखिए यहाँ हमारे द्वारा बनाए गए सभी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स दिखाई पड़ रहे हैं। यदि इनमें से किसी में कुछ चेंजेस करना हो तो उस पर जाकर के एंटर प्रेस करें, स्टॉक ग्रुप ऑल्टरेशन विंडो आ जाएगी। यहाँ से आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। इसे हम अगली वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। इस वीडियो में हमने बताया कि स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप्स की जरूरत क्यों होती है और साथ ही स्टॉक ग्रुप्स बनाना बताया। अगली वीडियो में हम आपको स्टॉक ग्रुप्स के अंतर्गत आने वाले डिस्प्ले और ऑल्टर ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि किसी स्टॉक ग्रुप को डिलीट कैसे करते हैं। दोस्तों हर वीडियो में हम कुछ नई बातें डिटेल में समझाते हैं और बाद में उनका शॉर्ट में उपयोग करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी उपयोगी बात छूट न जाए तो सभी वीडियोस को क्रमानुसार ही देखें।